प्रिय मित्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सभ्यता और संस्कृति इन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, बार बार हम प्रयोग करते हैं सभ्यता ये है, संस्कृति वो है, परंतु इनका वास्तविक अर्थ क्या है? सभ्यता किस सेंस में उत्पन्न प्रयोग किया जाता है और संस्कृति किस अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृति जो शब्द है वह संस्कार के आधार पर बनता है। जैसा जैसा हम कार्य करते हैं, जो हम पहनते हैं, जैसा सोचते हैं, उससे मानव मस्तिष्क में संस्कार बनते हैं। ये एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के संस्कार हैं। यदि एक समूह, यदि इसी चीज को हम समूहों पर लेके जाते हैं, तो एक समूह का जो खाना पीना रहना सहना बात करने का ढंग चलने का जो स्टाइल है, जो उसकी शैली है, तो उसको हम उसका सामूहिक शब्द का प्रयोग करें संस्कार को, तो वह संस्कृति कहलाता है। एक समूह पूरे जो समाज का संस्कार है वह उस समाज की संस्कृति कहलाता है। यदि वह व्यक्ति का संस्कार है तो वह उस व्यक्ति का संस्कार मात्र कहलाता है। तो जो संस्कृति शब्द है पूरे समाज को व्याप्त करता है। एक पर्टिकुलर समाज का जैसा रहने सहने की प्रक्रिया है, जो शैली है, जो क्रियाकलाप हैं, वो सभी संस्कृति के नाम से कहा जाता है। और जो सांस्कृतिक शब्द है, सांस्कृतिक शब्द का भी यही अर्थ है कि वो कार्यक्रम, वो प्रोग्राम जिनसे एक एक पर्टिकुलर समाज की संस्कृति की झलक मिलती हो, तो उन क्रियाकलापों से, उन प्रदर्शनों से, उस नृत्य से, उस संगीत से जो हमारी संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कहलाते हैं। तो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अर्थ भी नाचने गाने से नहीं है, उसमें पूरी समाज की प्रक्रिया, रहन सहन, जीवन शैली उस सब में निहित होती है। तो हर व्यक्ति का संस्कार अलग हो सकता है और उसी प्रकार से एक समाज का संस्कार अलग हो सकता है। जितने भी ग्रुप हो सकते हैं, जितने समूह हो सकते हैं, जितने समाज हो सकते हैं, उनके अलग अलग संस्कार हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कई बार कि ये संस्कृति तो पाश्चात्य लोगों की संस्कृति है, ये संस्कृति भारतीयों की संस्कृति है, ये एशियंस की संस्कृति है, ये फला लोगों की संस्कृति है। तो उन लोगों का जैसा अपना रहना सहना, खाना पीना और जो जीवन पद्धति है, वो संस्कार के रूप में और संस्कृति के रूप में झलकती है। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर हम देखते हैं, यदि हम महिलाओं को लें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर साड़ी पहनते हैं, तो ये जो पूरे भारतवर्ष में जो साड़ी हमारी महिलाएं पहनती हैं, ये साड़ी इस भारत की सभ्यता है। परंतु इस साड़ी को बांधने की, पहनने की शैलियां अलग अलग हैं। दक्षिण के लोग किसी ढंग से बांधते हैं, महाराष्ट्र में किसी ढंग से बांधते हैं, हरियाणा में किसी ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। तो ये साड़ी पहनने की जो अलग अलग पद्धतियां हैं, शैलियां हैं, वो संस्कृति है और साड़ी एक सभ्यता का प्रतीक है ये, क्योंकि पूरे राष्ट्र में को में व्याप्त है। उसी प्रकार से मनुष्य धोती बांधता है तो या इसका प्रयोग करता है धोती का, तो हम देखते हैं कि दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में उसके धोती बांधने के या पहनने के अलग अलग प्रकार हैं। वो जो अलग अलग प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। परंतु ये जो धोती शब्द है ये पूरे भारत की सभ्यता का प्रतीक है। तो सभ्यता जो है, सभ्यता
शब्द में सभ्य शब्द हमें प्राप्त होता है, और जो सभ्य शब्द है वो सभा शब्द से बनता है। सभा का अर्थ है जब व्यक्ति एक समुदाय में एकत्र होता है, तो समुदाय में एकत्र होने पर उसका जैसा आचरण होना चाहिए उसका नाम, उसको उसी जैसा आचरण होना चाहिए उसी को हमने सभ्यता कहा है। और सभ्यता में उसका जो आचरण है वो शिष्ट आचरण होना चाहिए, सभ्य आचरण ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति अकेले में रहता है तो वो किसी भी प्रकार से रह सकता है, परंतु दूसरे लोगों के साथ जब हम मिलकर के आते हैं तो हमारा रहन सहन, हमारा आचरण, हमारा पहनावा बदलता है, और उसी तौर तरीकों को हम सभ्य या सभ्यता बोलते हैं। तो जो सभा है, सभा के जो सभासद हैं उनको सभ्य होना आवश्यक है, और उसी प्रकार से एक पूरा जो राष्ट्र है उसमें जो उसके नागरिक हैं उनके नागरिकों का जो एक सभ्याचरण है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने समाज के प्रति जो एक अच्छा आचरण बनता है उसी का नाम सभ्यता है। तो संस्कृति शब्द में बुराई भी हो सकती है, संस्कृति चोरों की भी हो सकती है, संस्कृति डाकुओं की भी हो सकती है, संस्कृति नग्न लोगों की भी हो सकती है, परंतु जो सभ्यता है वो संस्कृति से अलग है। सभ्यता शब्द में जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइज्ड शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, और इसीलिए जो आर्य शब्द है हमारी संस्कृति में प्रयोग हुआ है, आर्य शब्द का अर्थ ही सभ्य व्यक्ति से लिया गया है, और कहा गया है आर्यः ईश्वर पुत्रः, जो आर्य हैं वही ईश्वर की संतान हैं, और वो सभ्य लोग जो हैं, शिष्ट जो लोग हैं उनको आर्य कहा है। और ये जो आर्यों का समुदाय इस देश के अंदर रहा है, भारत वर्ष के अंदर रहा है, जिनकी सभ्यता को हमने वैदिक सभ्यता कहा है, वो मिलजुल करके चलने वाले लोगों की सभ्यता थी, वो लड़ने वाले लोगों की सभ्यता नहीं थी। आर्य जो शब्द है वो अर शब्द से बना है, और अर शब्द री गतौ धातु से बना है जिसका अर्थ चलना है, री का अर्थ चलना है, और री से अर बना है। अर जो है जो पहिया होता है उसकी जो धुरी होती है उसको अर बोलते हैं, और जय कहता है जिस प्रकार से सारे आर्य पहिए को मिलके और पहिए को चलाते हैं, उसी प्रकार से सब लोग मिलके जब राष्ट्र को चलाते हैं या समाज को चलाते हैं तो उनको हम आर्य बोलते हैं, और उस प्रक्रिया को हम आर्य बोलते हैं, और उस उन लोगों को हम आर्य बोलते हैं जिनमें सामूहिक रूप से मिलके कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, या अपने राष्ट्र या समाज को चलाने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम आर्यत्व बोलते हैं। तो ये जो आर्यत्व का अर्थ या सभ्यता का अर्थ ही मिलजुल करके काम करने वाले लोग हैं, वही लोग सभ्य कहला सकते हैं, और इसी प्रक्रिया का नाम सभ्यता है। तो इस प्रकार से ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, संस्कृति और सभ्यता। और ये संस्कृति और सभ्यता का जो जन्म है वो भारत में हुआ, और भारत ने ही पूरे विश्व को सभ्यता की शिक्षा दी। मनु का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कहता है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, कि इस देश के अंदर जो सबसे पहला व्यक्ति उत्पन्न हुआ था उसी व्यक्ति ने संसार के सब मानवों को चरित्र की शिक्षा दी। यजुर्वेद में एक बहुत अच्छा मंत्र का एक कंडिका आती है, उसमें कहता है चरित्रांस्ते सुंधामी, कि मैं तेरे चरित्र को शुद्ध करता हूँ। अब ये जो चरित्र शब्द है इसका हिंदी में एक जो लिटरल मीनिंग है वो चाल चलन सी है। तो जो हमारा चाल चलन है, जो हमारी रहन सहन है, जैसा हमारा चलना है, उठना बैठना है, वो सब चाल चलन है, और उसी का नाम चरित्र कहा गया है। तो सभ्य और जो चरित्र शब्द है, सभ्यता और चरित्र शब्द एक दूसरे से के पूरक हैं।
जिसमें जिस व्यक्ति में चरित्र है वही व्यक्ति सभ्य है, और जो जहाँ सभ्यता है वहाँ चरित्र भी है। तो ये दोनों अनुपूरक शब्द हैं, भारतीय संस्कृति और भारत की जो मनीषा है, भारत की जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने पूरे विश्व को सभ्यता की शिक्षा दी। वहाँ की संस्कृति चाहे कुछ रही हो परंतु सभ्यता इस देश से फैली। कपड़े पहनना, अच्छी तरह से उठना बैठना, चिंतन करना, दार्शनिक चिंतन करना, दूसरों की हेल्प करना, तो ये जो सारी सभ्यता है ये भारतीय सभ्यता है। और भारतीय सभ्यता और विदेशी सभ्यता में और या आधुनिक विज्ञान की सभ्यता में बड़ा अंतर भी है। आधुनिक विज्ञान तो कहता है स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष की स्थिति है, और उस संघर्ष में जो ताकतवर प्राणी है वो जीतता है और वो बचता है, सर्वाइव करता है, अन्य कमजोर प्राणी जो है वो नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक और संस्कृति सभ्यता है जिसको हम बुद्धिज्म का दर्शन बोलते हैं, वो कहते हैं लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और दूसरे लोगों को भी जीने में जीने दीजिए, अर्थात हम भी जिए और दूसरे को भी जीने दें, हम दूसरे के जीवन में बाधक न बने। परंतु जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय जो दार्शनिक चिंतन है, वो कहता है लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव, आप स्वयं भी जिए और जो लोग जी नहीं पा रहे हैं उनकी जीने में सहायता कीजिए। तो इस प्रकार की ये सभ्यता है, भारतीय सभ्यता पूरे विश्व का मूल है। आज के इस व्याख्यान में मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।